हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम कंप्यूटर में अपने कैसे चेक करें कि अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी कैसे चेक करें। चलिए फ्रेंड्स, आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, हम सबसे पहले जाएंगे अपने दिस पीसी में राइट क्लिक करेंगे माउस के थ्रू। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको जाना सबसे कहाँ, नीचे वाले में प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कर देना आप लोगों को। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा ओपन हो गया कि मैंने विंडो 10 का पासवर्ड प्रॉपर्टीज़ की चेक करके देखते हैं। देखिए आप लोग, जैसे देखिए सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। क्या क्या आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ ज़्यादा पास में करके। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, डिवाइस नेम। सबसे पहले देखिए डिवाइस नेम क्या आ रहा है, ये डिवाइस नेम इसका आ रहा है। ओके, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ, जैसे आपको i3 i5 जो भी लगा, जैसे i3 का लगा हुआ तो इसमें शो कर रहा है। आपकी इंस्टॉलेशन रैम इंस्टॉल है, मतलब आपके कंप्यूटर में रैम कितने जीबी इंस्टॉल है, आपकी शो कर दी, मेरे 4 GB इंस्टॉल है। ओके, डिवाइस आईडी बता देगा, आपकी प्रोडक्ट आईडी बता देगा। प्रोडक्ट आईडी वो होती है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, जब हम क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं, जब आपको नया कंप्यूटर बनाना पड़ता है, तब उसमें एक प्रोडक्ट आईडी मांगता है। कोई कोई इसको स्किप भी कर देता है और ये डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए इसमें आ जाएगा सिस्टम टाइप, आपका कौन सा सिस्टम है, 32 बिट का है या 64 बिट का। ओके फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आप लोगों के लिए। और नीचे करके दिखा देता हूँ, ये देखिए क्या बोला, ये विंडोज स्पेसिफिकेशन, मतलब आपकी जो विंडो है वो 10 है, 8 है, 7 है, मतलब जो आपकी विंडो होगी वो यहाँ शो कर देगी। जैसे कि मेरा ये विंडो 10 है। ओके, विंडो 10 प्रोफेशनल। ओके, वर्जन कौन सा है, ये वर्जन इसमें लिख रहेगा। इंस्टॉल ऑन, कब इंस्टॉल हुआ है, ये भी लिख के आ जाएगा। और क्या जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड, मतलब इसका ही आ जाएगा। एक्सपीरियंस फीचर, मेन काम होता है क्या फ्रेंड्स, कि अपने कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए आदमी क्या करता है, कि हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है कि डिवाइस का नेम और प्रोसेसर कौन सा, i3 i5 है, इंस्टॉल रैम कितने GB रैम लगी हुई है इसमें। ओके, रैम की ज़्यादा बात होती है। और तीसरी आती है कौन सा विंडो, अपना विंडो 10 या विंडो 7। ओके फ्रेंड्स, तो जान गए होंगे हम अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज कैसे चेक करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।